इंट्रोडक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत से भजन का नोटेशन आपको बता रहा हूँ और भजन के बोल हैं हमारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा भजन है और इसको बहुत लोगों ने गाया है और ये बहुत ही आनंदित भजन है। इसको अगर आप बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में मैं इसका नोटेशन आपको बताता हूं कि किस प्रकार इसको हम हारमोनियम के साथ बजाकर गा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास पहुंचता रहे और आप इसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, और मैं ये सी शार्प से आपको बता रहा हूं, इसमें सभी सुर शुद्ध लगते हैं इसलिए हम इसको राग बिलावल में भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसका नोटेशन मैं आपको फ्रेज बाय फ्रेज बताऊंगा और साथ में ताल का भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उसको ताल को भी समझ सकें और जो भी आप बजाएं, जो भी आप प्रैक्टिस करें वो ताल में हो, ताकि आप अगर किसी के साथ कोई आपके पीछे कोई रिदम बजाता है तबला या ढोलक तो आप उसके साथ भी उसको गा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हरे कृष्णा, ये हमारा पहला फ्रेज है और इसमें मैं फ्रेज बाय फ्रेज आपको बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से उसको गा सके। हरे कृष्णा, तो ये हमारी कितनी मात्राएं हो गई, हरे कृष्णा, ये हमारा चार मात्रा का फ्रेज बन गया। और ये जो हमारा भजन है ये ताल कहरवा में है, हमारी ताल कहरवा जो है वो आठ मात्रा की होती है और इसलिए इसमें जो फ्रेज है वो सब चार चार के हैं। फ्रेज चार चार के फ्रेज जब हम दो बार गाते हैं तो वो आठ मात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं और हमारी ताल पूरी हो जाती है। अब हमारा पहला फ्रेज जो है हरे कृष्णा सारे गा गा, और ये जो गा के बाद में हा आता है ये हमारी एक मात्रा है, ये चौथी मात्रा को पूरा करती है, तब हम रिदम में सेट हो जाते हैं। सारे, ये एक मात्रा में दोनों स्वर आएंगे, सारे गा गा, तीन मात्रा हमें गा पे लेनी है और सारे एक मात्रा हमारी ये हो गई। ठीक है, तो हमारी पूरी लाइन क्या बन गई, हरे कृष्णा सारे गा गा। सेकंड लाइन, हरे कृष्णा रे गा मा मा, इसमें एक मात्रा हमारी रेगा हो गई और तीन मात्रा हमारी मा पे हो गई, रे गा मा मा। और उसके बाद में कृष्ण कृष्णा मगा रे रे, इसमें मागा हमारी एक मात्रा हो गई और रे रे हे तीन मात्रा रे पे हो गई तो हमारी चार मात्रा हो गई। ऐसे ही चार चार मात्रा के इसमें सारे फ्रेज हैं। कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, एक मात्रा हरे हरे, तीन मात्रा सा पे हो गई, गारे सा सा। अब आइए अब इसको पूरा देखते हैं और सरगम में आपको विधिवत बताता हूं क्योंकि शायद हो सकता है अभी आप कंफ्यूज हो। अब मैं सरगम को क्लियर करता हूं। हरे कृष्णा सारे गा गा, हरे कृष्णा रे गा मा मा, कृष्णा कृष्णा मगा रे रे, हरे हरे गा रे सा सा सा। ठीक है, और ठीक उसके बाद में जिस प्रकार हमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे लिया है सेम टू सेम वैसे ही आएगा हरे रामा हरे रामा सारे गा गा, हरे रामा रे गा मा मा, रामा रामा मगा रे रे, हरे हरे।
इतना गाने के बाद में इसको आप एक बार, दो बार, चार बार, कितनी बार भी गा सकते हैं। इसके पीछे बाद में कोरस आ जाता है। आपने जैसे एक बार गाया और उसके बाद में जो आपके साथ में जो आपकी संगत बैठती है वो आपका कोरस करती है, तो एक बार आप गाते हैं, एक बार कोरस गाता है। इस प्रकार से इसको हम कई बार गा सकते हैं और उसके बाद में हम अगली लाइन को भी गाते हैं। तो अगली लाइन आइए देखते हैं क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इतना गाने के बाद में फिर हम अगली लाइन पे अंतरा पे जाएंगे। अंतरा हमारा क्या है? केशवा सारे गा माधवा सानी रे। इसमें भी आप देखें सब चार चार के फ्रेज बन रहे हैं। केशवा सारे गा माधवा सानी रे। और उसके बाद हे कृष्ण नीरे पापा, ये भी हमारा चार मात्रा का है। एक दो तीन चार, हे कृष्ण हे कृष्ण मधु, हे कृष्ण मधु मधु पागा। यहां पे एक फेर हमारा दो मात्रा का आएगा। मधु हे कृष्ण नीरे पापा मधु पागा सुधना सानी सा सानी सा। सानी एक मात्रा में, सानी सा सा। तो हमारे यहाँ पे भी चार मात्रा पूरी हो गई। तो ये हमारा अंतरा होगा। अंतरा को आप फिर से देख लें एक बार। केशवा सारे गा माधवा सानी रे, हे कृष्ण नीरे पापा मधु पागा सुदना सुदना। और इसको गाने के बाद फिर हम वहीं आ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर हम इसको गाएंगे, ठीक है। और एक अंतरा गाने के बाद में हर बार हमें हरे कृष्णा हरे रामा गाना है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में आप सबसे पहले स्थाई का हरे कृष्णा हरे रामा तैयार करें, और उसके बाद जो मैंने एक अंतरा बताया है माधवा, और इसको आप तैयार करें, और उसके बाद में आपको मैं अगला वीडियो जो है उसमें अगला अंतरा बताऊंगा जिसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा एक भजन जो है एक स्थाई और कम से कम दो या तीन अंतरा आप क्लियर कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा एक भजन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज लास्ट में और बता रहा हूँ कि जो भी आप प्रैक्टिस करें वो बहुत समझदारी से करें और स्लो मोशन में पहले प्रैक्टिस करें। जितना आप स्लो में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा तैयार होगा, उतना अच्छा आप गा पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।